जिनकी से सरकार के द्वारा कंपनी को 28,000 रुपए दिया जाता है और शिक्षा वितान हमारे जो है विद्या वितान उनको कंपनी मात्र 15,000 देती है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए सरकार उसके लिए माननीय मूल प्रश्नकर्ता को तो करने दीजिए। इसमें तो माननीय अध्यक्ष महोदय वो कुछ नहीं होता प्रश्न शर्मा जी का शर्मा जी का पूछे शर्मा जी शर्मा जी एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा तो पूछ गंभीर मुद्दा है जब 28,000 किसी को दिया जा रहा है तो 18,000 क्यों देगा गंभीर मुद्दा अध्यक्ष महोदय गंभीर मुद्दा है पूरे राज्य में सारे उद्भूत नहीं होता तो अध्यक्ष जी आप उद्भूत करवा दीजिए पर ये मसले का जवाब आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये आउटसोर्सिंग जो विद्या वितान जिनका नाम दिया गया है चाहे शिक्षा वितान कह ले या विद्या वितान कह ले ये पूरे राज्य में कंपनी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे सभापति अध्यक्ष महोदय और जिनकी सरकार के द्वारा कंपनी को 28,000 रुपए दिया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ के ही जो विद्या वितान है आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं इनको कंपनी वाले मात्र 15,000 देते हैं मतलब एक विद्या वितान पे 10,000 से 12,000 कमीशन खोरी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या ये विद्या वितान को सीधे सरकार तनख्वाह पूरा जितना सरकार देती है उनको तनख्वाह देने का काम करेंगे क्या और ये ठेका प्रथा बंद करेंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय जो छत्तीसगढ़ में ये जो विद्या मितान है उनकी संख्या लगभग 2,185 है तो क्योंकि इनकी नियुक्ति अलग अलग स्तर पे होती है तो अलग अलग स्तर पे होती तो ये अलग अलग तनख्वाहें विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है राजनांदगांव में बिलासपुर में अलग अलग इनकी मिलती है तो इसकी राजनगांव में 18,440 माननीय सदस्य की बात को जो हम लोग समझे वो आंकड़ा आपसे नहीं पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो कंपनियों को ठेका दे दियो हो शिक्षा मितान भर्ती करने का या मितान भर्ती करने का या पढ़ाने वालों को भर्ती करने का उनको आप 28,000 का पेमेंट कर रहे हैं उनको मिल रहा है 10,000 तो या तो आप उनको 28,000 पेमेंट कराएंगे क्या या उसको खत्म करेंगे क्या। ये आंकड़े से कोई मतलब नहीं 10,000 है कि 20,000 है से हमको क्या लेना देना है सिर्फ इतना ही होगा 10-20,000 आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो एजेंसीज को आप भर्ती करने के लिए आज्ञा दिए हो उसे खत्म करेंगे क्या मतलब आउटसोर्सिंग करने के लिए जो एजेंसी आई है उसको रोकेंगे क्या और सीधा बच्चों को जो भर्ती है उनको सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग में लेके उनको उतना ही तनख्वाह देंगे क्या। प्रश्न ये इसकी समीक्षा करें नहीं मैं पढ़ाऊंगी अलग अलग मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग मिलता है कभी बयान था 18,000 मिलता है 8,000 जो भी आंकड़े बताया हो उसको हम खत्म करेंगे करके तो समय घोषणा कर दीजिए आप माननीय सदस्य अपना राजनांदगांव द्रुप जाने की जरूरत नहीं है माननीय सदस्य जहाँ का पूछे हैं वहाँ का बता दीजिए अभी तत्काल इसमें किसी प्रकार की कोई निर्णय उसको नहीं करिए ना समझ गया आप अपनी समस्या बता एक मिनट सर थोड़ा सा बोल आप ही की बात कह लूं फिर आप बोल लेना एक गंभीर समस्या है देखिए मिड टर्म है तो मत करिए पर नीतिगत निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आउटसोर्सिंग इस प्रदेश में बंद होगी तो ये आउटसोर्सिंग का ही एक हिस्सा है आप ये घोषणा कर दीजिए कि इस शिक्षा सत्र के बाद ये सब सिस्टम बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को उतनी तनख्वाह दे दी जाएगी इसकी समीक्षा की जाएगी या जो नियम है जो कार्रवाई अध्यक्ष महोदय इसमें समीक्षा का क्या प्रश्न है जब ये तय होगा कि एक नहीं खाना है
अगर केला आपके घर में है तो उसको उठा के फेंक दीजिए, केला की क्या समीक्षा करेंगे? इसको हम बंद करेंगे जब इसको तो नहीं करना है। जो जो सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई है उस सिस्टम के बारे में बोलने में आप हिचक क्यों रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, आप हिम्मत से बोलिए ये आउटसोर्सिंग का ये जो लीपापति चल रहा है उसको बंद करेंगे। आप बंद करिए, आप थोड़ी क्यों अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सवाल इतना है कि 28,000 सरकार के खजाने से पूर्ववर्ती सरकार के समय से दिया जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे, हम सहमत कराएंगे क्या? और हमारे छत्तीसगढ़ के ही है जो शिक्षा विभाग गुरुजन उनको अध्यक्ष महोदय जवाब सुनिश्चित कराइए। कुल मिला के प्रश्न कोई टेढ़ा नहीं है, बहुत सरल है। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भर्ती किए जाने वाली संस्था पर रोक लगाएंगे या उसको चलने देंगे? क्या माननीय अध्यक्ष सूची नागपुर से आया, कितनी जैकेट सिलवाए हुए? सीधी सीधी बात है कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको हटा दीजिए मंत्री महोदय जी। सीधी सी बात है कि इनकी पार्टी के वो कार्यकर्ता है, शासन का माननीय मंत्री न्यायिक जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं कुछ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पेपर में कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी, इसकी और जो समीक्षा की बात कहा गई महोदय, जो समीक्षा की बात कहा गई महोदय, ये बाहर की कंपनी आकर छत्तीसगढ़ में पार्टी के ही वरिष्ठ सदस्य, आदिवासी अंचल के वरिष्ठ सदस्य जब कोई बात कह रहे हैं और जब आपको लग भी रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भर्ती किया गया, इसके क्या समीक्षा करेंगे? विरोध करिए सब, आप सब लोग बैठे अध्यक्ष महोदय, बस पूछने का अभी तक अवसर मिला नहीं था, उसका भी उत्तर दे देंगे ना मुख्यमंत्री। और महाराज जी एक मिनट अध्यक्ष जी, चाहे भले हमको कल आप इसका ट्रांसलेशन दे दें, मैं तो चाहता हूँ कि जब वो चिंता कर ही रहे हैं अगर उस संस्कृत में चिंता व्यक्त कर दें तो एक रिकॉर्ड भी बनेगा और अच्छा रहेगा। अगर आप संस्कृत में कर सकते हो तो आपसे आग्रह है, संस्कृत में पढ़ो। चलिए जल्दी करिए, समय निकल रहा है प्लीज। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में जल्दी अध्यक्ष महोदय,